तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कमाल की एप्लीकेशन लेके आया हूँ। अगर आपके मोबाइल में कॉल आता है, ठीक है, अगर आप कॉल रिसीव करते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी कमाल की एप्लीकेशन लेके आया हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है और वह प्रॉब्लम मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है, उसे थोड़ा सा आपको इग्नोर करना पड़ेगा। बट थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे उसके बाद में, यह एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ आखिर में यह एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है, इसमें क्या फीचर हैं। उसके बाद में अगर आपको समझ में आता है तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, नहीं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपके मोबाइल में किसी का कॉल आता है। मान लीजिए टेबल पर मोबाइल रखा हुआ है और किसी का कॉल आया। जैसे मैं टेबल से मोबाइल उठा के अपने कान पर ऐसे सटाऊँगा, मेरा फ़ोन ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। ठीक है, इसकी सेंसर की मदद से मेरा फोन ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। मान लीजिए आप फोन जेब में रखे हैं और किसी का फोन आ रहा है, तो जैसे आप जेब से फोन निकालेंगे, ठीक है, जैसे आप जेब से फोन निकालेंगे, आपका फोन ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। तो यह एप्लीकेशन कुछ इसी तरह से काम करने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करना और आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाए। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना। तो चलिए बढ़ते आगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूं कौन सी एप्लीकेशन है। आपको इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, ठीक है, ऑटो ईयर पिकअप। तो अगर आप इसको प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको यह एप्लीकेशन वहां पर मिल जाएगा। अगर आप इसको सर्च नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जाके वहां से इजिली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑन ऑफ का। तो सबसे पहले आपको इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद में शायद आपसे कुछ परमिशन मांगे, तो आपको परमिशन दे देना है। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, बैकग्राउंड और थीम का। अगर आप अपने आने वाले कॉल का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे टच करना है बैकग्राउंड पर। और आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे काफी कमाल कमाल के बैकग्राउंड मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको किसी भी बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे थीम का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप थीम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप थीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली इसको कट कर देना है। ध्यान रखना है कि यह एप्लीकेशन बैकग्राउंड में वर्क करे। ठीक है, अब चलिए मैं आपको इस वाले फोन से कॉल लगा के दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं इसको लॉक कर लेता हूं। ठीक है, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि कॉल आना स्टार्ट हो गया है। अब अगर मैं अपने किसी भी हाथ, मान लीजिए अगर मैं अपने फोन को अपने कान के पास हटाता हूं तो यहां पे मेरा कान जाएगा। जैसे यहां पे जाएगा आप देख सकते हैं कि कॉल रिसीव हो गया। ठीक है, अब मैं इसको कट करता हूं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं ताकि आप भी श्योर हो जाए। ठीक है, ओके, तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं कि दोबारा कॉल आना स्टार्ट हो गया। मान लीजिए आपका मोबाइल टेबल पे रहता है, किसी का फोन आता है, तो आपको तुरंत लेके अपने कान पे सटाना है। जैसे आप सटाएंगे आपका फोन रिसीव हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि फोन रिसीव हो गया। तो काफी कमाल की एप्लीकेशन है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, तो चलिए हम प्रॉब्लम के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यह एप्लीकेशन कितनी कमाल की है और काफी अच्छे से वर्क करती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, शायद आपको भी इसकी यह प्रॉब्लम अच्छी ना लगे। मान लीजिए किसी ऐसे बंदे का कॉल आ रहा है जिसे आप रिसीव नहीं करना चाहते हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और आप उससे रूठे हैं, आप उसके फोन को रिसीव नहीं करना चाहते हैं, तो जब उसका कॉल आएगा आप तुरंत अपने पॉकेट से निकालेंगे मोबाइल और तुरंत फोन रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो यह चीज मुझे अच्छा नहीं लगा। और दूसरी चीज आपको, ठीक है, अगर आपको इस एप्लीकेशन को यूज करना है तो इस एप्लीकेशन को आपको बैकग्राउंड में चलने देना होगा। ठीक है, बैकग्राउंड में चलने देना होगा तभी जाके एप्लीकेशन काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। बस इस एप्लीकेशन में मुझे छोटी सी प्रॉब्लम यही लगी। बाकी आपको एप्लीकेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।